जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष रुद्र और अक्षी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि रुद्र और अक्षी। रुद्र का मतलब होता है शिव और अक्षी का अर्थ होता है आँखों से उत्पन्न होने वाला। तो शिव की आँखों से उत्पन्न होने वाला रुद्राक्ष फल और फूल दोनों ही रूप में माना जाता है, यानी कि आप रुद्राक्ष को फल भी बोल सकते हैं और फूल भी बोल सकते हैं। इसका रंग भूरा होता है, ये गर्म और तर होता है, लेकिन कुछ विद्वान इसे ठंडा भी मानते हैं। रुद्राक्ष में कई चमत्कारी गुण होते हैं, खासकर बीमारियों को दूर करने के लिए। रुद्राक्ष रक्त विकारों को नष्ट करता है, धातु को पुष्ट करता है, शरीर के बाहर और अंदर सभी प्रकार के कीटाणुओं को वायरसेस को मारता है। जो अभी आप सुन रहे हैं ना, कोरोना वायरस, निपाह वायरस, इस प्रकार के वायरसेस को शरीर में प्रवेश होने से काफ़ी हद तक रोक लेता है। इससे रक्तचाप और हृदय रोग दूर होने में भी सहायता मिलती है। तो रुद्राक्ष की मालाओं को सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला पर किए गए जप तप मंत्र सबसे ज़्यादा फलित होते हैं। सभी मालाओं पर किए गए जाप से कई गुना अधिक फल रुद्राक्ष की माला पर किए गए जाप से मिलता है, ऐसी हिंदू धर्मों में, हिंदू शास्त्रों में मान्यता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कहानी है, तो यदि आप इस कहानी को सुन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए सीधा ही इस प्राचीन कथा की ओर चलते हैं। इस कथा का वर्णन आपको स्कंद महापुराण में मिलेगा, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन बात है, बहुत ही प्राचीन बात। प्राचीन समय में पाताल लोक का राजा मैं बड़ा ही बलशाली, पराक्रमी और अजय था। वो इतना अजय था कि पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं हरा सकता था, बड़ा ही बलशाली था। एक बार की बात है, उसके मन में लोभ जाग उठा। क्या लोभ जाग उठा? कि क्यों ना पाताल लोक से बाहर निकलकर दूसरे लोकों पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली जाए, लोभ जाग उठा। तो बस ऐसा विचार आने के बाद ही लगातार उसका दिमाग इस तरह से सोचने लगा, तो फिर उसने अपने विचार को मूर्त रूप देना शुरू किया। पातालवासी दानवों ने धरती पर आकर मानवों पर, देवलोक में जाकर गंधर्वों और देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब वो थे तो बलशाली, तो अपने बल के मद में चूर होकर मैं राक्षस का नाम है, मैंने हिमालय पर्वत के तीन श्रृंगों पर तीन पुर बनवा लिए, और वो तीनों पुर विभिन्न धातुओं से निर्मित थे। सबसे पहला पुर सोने का पुर था, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का पुर था। और ये तीनों पुर एक ऐसे दुर्ग थे जिन्हें की भेद पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। ऐसे अभेद पुरों में रहकर इन त्रिपुरासुरों ने देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं के स्थानों को भी जीत लिया और उन्हें, यानी कि देवताओं को, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। वो लगातार देवताओं से युद्ध करे जा रहे थे और जीतते जा रहे थे। जैसे जैसे जिन स्थानों पर वो देवताओं से जीतते, उन स्थानों पर वो स्वयं रहने लगे। देवगणों के समान ही त्रिपुरासुरों ने गंधर्वों और मानवों पर भी भयंकर अत्याचार करने शुरू कर दिए और उन्हें भी जीत लिया। और इस तरह अभेद्य त्रिपुर में रहकर त्रिपुरासुरों ने तीनों लोकों को जीत लिया और एक छत्र दानवों का राज्य स्थापित कर दिया। महापराक्रमी त्रिपुरासुरों द्वारा देश, घर, अधिकार इत्यादि सब कुछ छीन लिए जाने से देवतागण कुछ ज़्यादा ही घबरा गए, दुखी हो गए, शोक में डूब गए, डिप्रेशन में आ गए। त्रिपुरासुर के डर से देवताओं को किसी ने भी शरण नहीं दी कि नहीं नहीं भाई, वो त्रिपुरासुर तो बहुत खतरनाक है, वो फिर हमारे पर आक्रमण करेंगे। तो कोई भी देवताओं को शरण देने के लिए तैयार नहीं था। तब सभी अपनी पत्नी, पुत्र, मित्र इत्यादि से विमुक्त हो गए। देवताओं, मानवों तथा गंधर्वों को प्राण बचाने के लिए अपने अपने स्थानों को छोड़ना पड़ा। अब वो अपने अपने रहने के स्थानों को छोड़कर इधर उधर वनों में, निर्जन ग्रतों में, गुफाओं में छिपकर रहने लगे।
अब इस प्रकार भयंकर विपत्ति के समय में सब देवगणों ने मिलकर इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए एक मीटिंग की, एक गुप्त मीटिंग की। विचार विमर्श किया गया और बुद्धिपूर्वक मंत्रणा करके सब ने फैसला किया कि उन्हें उनकी दुर्दशा से इस संपूर्ण जगत के रचियता ब्रह्मा जी ही छुटकारा दिला सकते हैं। तो सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें अपनी दुर्दशा का सारा वृतांत सुनाया, सारी घटना बताई कि किस तरह से मैं राक्षस के द्वारा, पाताल लोक के राजा के द्वारा सभी को परेशान किया जा रहा है। सब ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि त्रिपुरासुर दानवों से अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और इस प्रकार से कोई ऐसा उपाय बताएं, ऐसा उपाय करें जिससे हम उन बल में डूबे हुए अहंकारी दानवों को जीत जाएं और पहले की तरह अपने अपने स्थानों पर रह सकें और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। देवता गणों के मुख से इस प्रकार की पीड़ा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि त्रिपुरासुर इस समय महापराक्रमी है, समय और भाग्य भी उसका साथ दे रहा है और अपने अभेद्य दुर्गों और महाप्रतापी होने के कारण वो इस समय इतने शक्तिशाली हैं कि युद्ध करके मैं स्वयं भी उन्हें हरा नहीं सकता। तो अब क्या करें, जब जगत पिता ब्रह्मा जी ने हथियार डाल दिए तो देवतागण काफ़ी निराश हो गए। फिर बोले अब क्या करें, तो ब्रह्मा जी बोले सुनो, इस महाविपदा से छुटकारा पाने का केवल और केवल एक ही उपाय है, एक ही उपाय। देवतागण बोले बोलिए क्या उपाय है। ब्रह्मा जी बोले कि हम सब मिलकर विष्णु लोक चलते हैं, भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं, शायद वो ही कुछ कर सके। तो सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ में विष्णु लोक पहुँच गए, भगवान विष्णु की शरण में आ गए, भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु देवता गणों की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने आंखें खोली, मुस्कुराकर देवगणों से पूछा क्या बात है, सारे के सारे एक साथ, क्या समस्या है। तो देवगणों ने अपनी करुण गाथा उनके समक्ष प्रस्तुत की कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और उनसे अनुरोध किया कि हे भगवान, किसी भी तरह से इन त्रिपुरासुरों से उनकी रक्षा आप ही कर सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो हथियार डाल दिए। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोले भाई त्रिपुरासुर राक्षस और उसकी संख्या और उनकी सेना है तो काफ़ी शक्तिशाली और उन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने भी ब्रह्मा जी की तरह ही असमर्थता प्रकट कर दी कि बोले भाई ये अपने बस की बात नहीं है। तो देवताओं ने कहा फिर अब इस विपत्ति से छुटकारा कैसे पाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए अब एक ही उपाय है, एक ही उपाय। बोले क्या, बोले हम सब मिलकर देवादिदेव महादेव भोलेनाथ शिव की शरण में चलते हैं, वो ही शायद कुछ कर पाए। तो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और सारे देवतागण कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। चलो भाई, पहुँच गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुँच कर सब ने देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ शंकर के दर्शन किए, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, दंडवत सभी ने प्रणाम किया। भोलेनाथ शिव शंकर ने अपनी आंखें खोली, देवगणों से पूछा क्या बात है भाई, क्यों धरना लगाए बैठे हो सबके सब, और साथ में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी आए हैं तो समस्या कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है। तो देवगणों ने कहा भगवान, समस्या तो वास्तव में बड़ी है, मैं नाम के दानव ने त्रिकुट पर तीन अभेद्यपुर स्थापित कर लिए हैं और उन त्रिपुरासुरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है और हमको दर दर का भिखारी बना दिया है और इस तरह से हम कोई जंगल में छिपा बैठा है, कोई गुफा में छिपा बैठा है, अब बताइए आप क्या करें। और इस प्रकार से हम सभी मिलकर अपनी परेशानियों के निवारण के लिए आपकी शरण में आए हैं, आप ही इस महान कष्ट से, इस महान दुख से हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं के द्वारा इस तरह से रुदन करने पर, मार्मिक प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने उन्हें तुरंत ही अभयदान दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तुम युद्ध की सामग्री इकट्ठी करो। भगवान शंकर की बात सुनकर सभी देवतागण कुछ ही समय में रथ, धनुष, दिव्य बाण, प्रत्यंचा, सारथी और कई प्रकार की युद्ध सामग्री लेकर तैयारी कर ली। अब इस युद्ध के लिए पृथ्वी मंडल को रथ बना दिया गया। रथ के सारथी ब्रह्मा जी स्वयं बने।
पृथ्वी मंडल स्वरूप रथ पर चढ़कर सुमेरु पर्वत रूपी धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं धारण कर लिया। सागर स्वरूप तुनीर को भगवान ने बांध लिया। कमलकांत भगवान विष्णु स्वयं दिव्य बाण बनकर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हो गए। उन्हें भगवान शिव ने अपने हाथों में ले लिया और इस तरह से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी इंद्र इत्यादि देवताओं के साथ हिम शैलेंद्र के श्रृंगों पर स्थित त्रिपुरासुरों के नगर के पास जा पहुँचे। त्रिपुरासुरों के नगर के सामने पहुँचकर भगवान शिव ने साक्षात नारायण स्वरूप अमोघ बाण को, जो कि भगवान विष्णु स्वयं बाण बन चुके थे, तो उस बाण को उन्होंने अपने धनुष पर चढ़ा लिया। धनुष पर चढ़ाया शूल पाणी साधते ही, और जैसे ही उन्होंने वो बाण चलाया, दानवों के तीनों पुर ध्वस्त हो गए और इस तरह से त्रिपुर के जलते ही दानवों में हाहाकार मचने लगा। त्रिपुर के नायक दानवगण मारे गए, कुछ डर के भाग गए, कुछ अग्नि से जल गए। त्रिपुर दाह के समय भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप को धारण कर लिया और इस प्रकार दानवेंद्र और उसके द्वारा रक्षित त्रिपुरासुरों का नाश हो गया। नाश होने के बाद में भोलेनाथ शंकर रुद्र रूप में ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि सभी देवताओं के साथ हिमालय पर्वत के एक सुंदर शिखर पर अपनी युद्ध की थकान मिटाने के लिए, विश्राम करने के लिए जा पहुँचे। अब युद्ध की थकावट मिट जाने के बाद भगवान शंकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा विजयी होकर भगवान शंकर उस हर्ष के कारण जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। और उसी हर्ष में, उसी खुशी में हंसते हंसते भगवान रुद्र की आंखों से चार बूंद आंसू टपक पड़े। उन चार बूंद आंसुओं के गिरने से वहाँ शिखर पर चार अंकुर पैदा हो गए। कुछ समय के बाद वो चारों अंकुर बढ़कर पत्र पुष्प तथा फल इत्यादि से हरे भरे हो गए और भगवान के इस तरह से रुद्र रूप में गिरे इन आंसुओं से उत्पन्न ये वृक्ष रुद्राक्ष नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गए। तो भगवान रुद्र की आंखों से टपके आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और रुद्राक्ष की उत्पत्ति साक्षात शिव के आंसुओं से होने के कारण, और इसी कारण से रुद्राक्ष को साक्षात शिव का स्वरूप ही माना जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला साक्षात रुद्र को ही धारण करता है। यदि आप रुद्राक्ष के महत्व को जानना चाहते हैं कि इसको धारण करने से क्या महत्व है, तो इसके लिए भी एक प्राचीन कथा है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो यदि हम इस वीडियो में यदि आपको वो कहानी शेयर करेंगे तो शायद आप बोर हो जाएंगे। तो यदि आप उस कहानी को सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट छोड़िए। हम रुद्राक्ष के महत्व से संबंधित उस प्राचीन पौराणिक कथा को आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।